खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वाह, सनावत, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। खरगोन बना कश्मीर। जी हां, चौकिया नहीं, खरगोन जिले के झिरनिया के दूरस्थ पहाड़ी इलाके काकोडा और उसके आसपास आज हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कश्मीर जैसा नजारा देखा गया। जमीन पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। कश्मीर जैसे हर तरफ सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही थी। सड़क खलियान और घर के आंगन सिर्फ बर्फ ही बर्फ। हालांकि किसानों को भारी नुकसान हुआ है। रविवार को खरगोन जिले के झिरनिया तहसील के पहाड़ी गांव काकोड़ा व आसपास के इलाके में ओलावृष्टि, हिमपात से जमीन पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे यहां कश्मीर जैसा नजारा दिखाई दिया। रविवार को प्रकृति का कहर खरगोन जिले में किसानों पर कुछ इस कदर टूटा कि खरगोन में कश्मीर सा नजारा हो गया। तेज हवा और बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि के कारण हर तरफ ओलों की सफेद चादर बिछ गई। ओलावृष्टि के बाद लोगों ने हर तरफ बिछी बर्फ को देखकर हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है करीब एक घंटे तक यहां तेज हवा और बारिश के साथ बेर के आकार के ओले गिरे। फसलें बर्बाद, किसानों को मुआवजे की आस। आसमान से बरसी इस आफत से सबसे ज्यादा चिंता किसानों में है। जिले में एक तरफ गेहूं और चने की कटाई चल रही है तो दूसरी ओर बेमौसम बारिश से फसलों को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इधर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ओले गिरने की सूचना मिली है, टीम को भेजकर सर्वे कराएंगे, किसानों को राहत देंगे, खुद जाकर मैं भी देखूंगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। जैसे बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, आज झिरनिया के आसपास जो इलाका है उसमें कश्मीर जैसा नजारा हो गया, किसानों की काफी फसल का नुकसान हो गया। हाँ, आज भी ओलावृष्टि की जानकारी मिली है और हमारी रेवेन्यू टीम को हम लोगों ने निर्देशित किया है तत्काल इसकी जांच कर लें। अभी दो दिन पहले भी हुआ था, इसको पूरे मौसम पर भी नज़र रखी है और हमारे पूरे रेवेन्यू टीम अलर्ट है और पूरा इसका सर्वे कराया जाएगा। किस प्रकार के निर्देश दिए सर सारी? ये पहले तो नेत्रांकन से होता है कि कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से एक शासन को रिपोर्ट जाती है, प्राथमिक रिपोर्ट की इतने गाँव में इतने किसानों का इस फसल का नुकसान हुआ है और उसका जो जब ज़्यादा नुकसान होता है तो खेत खेत जा करके वहाँ पर पूरी टीम बनती है, रेवेन्यू की है और कृषि विभाग की टीम है और गाँव के पंचायत की टीम है, वो पूरा डेटा सर्वे करती है ताकि पात्र व्यक्तियों को पूरा उसका लाभ मिल पाए। सर, झिरनिया इलाके में इतनी बर्फबारी हुई कि वहाँ पूरा कश्मीर जैसा हो गया? हाँ, उसका पूरा डिटेल जांच कराते हैं और इसमें पूरी टीम भेजेंगे और इसमें रेवेन्यू के और कृषि विभाग के सभी अधिकारी जाएंगे और मैं भी कल जाऊंगा इसमें देखने के लिए। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।